मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने जो सबसे पहले वाला पार्ट है उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड वी हैव कंप्लीटेड द टू क्वेश्चंस. सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6. ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा जो कि आईआईटी स्क्रीनिंग 2005 का. सो दीज आर कुछ ठीक से क्वेश्चंस हैं एंड बेस्ड ऑन द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो मैं उसको क्विक वे में लूंगा एंड देयर विल बी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस. राइट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है द वैल्यू ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ -1 -√-1 -√-1 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. ठीक है, इसमें एक काम करेंगे, इस वैल्यू को आप जो है x के बराबर ले लेंगे. लेट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू x. तो क्या होगा, सो व्हाट इज देयर व्हेन इट इज इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो वैल्यू रूट में स्टार्ट हो रही है, वैल्यू रूट में स्टार्ट हो रही है, तो ये वैल्यू को हमने x ट्रीट किया है एंड दीज टर्म्स आर गोइंग अप टू इनफाइनाइट. राइट, तो देखिए इसी x को हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 - और जहां रूट से वैल्यू थी स्टार्ट, इस पूरी वैल्यू को हमने x लिया था, उसमें एक टर्म कम हो गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगेन इट इज अप टू x बिकॉज टर्म्स आर गोइंग अप टू इनफाइनाइट. तो इसको भी आप माइनस वन यहां लेंगे, -1 - और इसको भी आप इक्वल्स टू x के लिख सकते हैं. सो लेट्स से इट इज इक्वल्स टू x, वी हैव टेकन इक्वल्स टू x, तो अंदर भी एक और x बन जाएगा. राइट, अब इसको मेन वर्क है सॉल्व करना है. सो स्क्वायरिंग की जा सकती है, सो दैट विल गिव द -1 - x. राइट, और बहुत इजी है, x² + x + 1 = 0. इसको जब आप सॉल्व करेंगे जैसा हमने किया ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, इनके जो दोनों रूट्स हैं वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं. सो देखिए ये हम सॉल्व कर चुके हैं, दिस इज इन द प्रॉपर्टी दैट टू रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे. इफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन. देखिए इसमें भी एक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. तो मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाए थे जिससे अगर -27 है और इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो -3 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर होगा. इस तरह की बात हमने प्रॉपर्टीज में समझी है, रिजल्ट हम जानते हैं, इस तरह से निकाले जा सकते हैं. लेकिन ये एक और इसने इक्वेशन फॉर्म में इसको दिया हुआ है, तो उस केस में देखिए क्या करना रहेगा, सॉल्व करना है बेसिकली इक्वेशन को. इफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोलता है देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर. तो इस इक्वेशन के रूट्स बताने किस फॉर्म में होंगे. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड x - 1 होल क्यूब = -8 हो जाएगा. और इस चीज को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, x - 1 होल क्यूब = -2 का होल क्यूब लिखा जा सकता है. -8 can be written as -2 होल क्यूब. राइट, अब देखिए यहां दोनों तरफ क्यूब रूट ले रहे हैं, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक द क्यूब रूट बोथ साइड, एक तरफ तो क्यूब रूटेड वैल्यू x - 1 लिख दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है -2 का इसका क्यूब रूट -2 आएगा, लेकिन उसके साथ में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अटैच होंगे. जैसा मैंने बताया था कि -27 के अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो इधर -3 का होल क्यूब करते हैं, इसके साथ में 1 होता ही होता है, और इसका क्यूब रूट अगर करना है सो इस तरह से क्यूब रूट यहाँ पे इसका -3 आ जाएगा. तो -3 × 1 - 3 ω - 3 ω² होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी वही पोजीशन आ गई, यू आर टेकिंग द क्यूब रूट. तो देखिए इस चीज को थोड़ा और क्लियर दिखाऊं मैं आपको, ऐसा भी लिखा जा सकता है -2 का होल क्यूब × 1. राइट, और फिर पूरी वैल्यू का जब 1 था तो सपोज वो 8 लिखा हुआ था तो ऐसा लिख सकता था उसको. एंड व्हेन यू आर टेकिंग द क्यूब रूट तो -2 बचेगा इंटू 1 के क्यूब रूट उसके साथ में अटैच हो जाएंगे.
because you are taking the cube root both side, right? तो इस तरफ तो directly x minus 1 लिखेंगे आप, और इस तरफ उसके cube root of unity उसके साथ में attach करेंगे. देखिए ऐसा होगा, this will be equals to x minus 1 minus 2 minus 2 omega and minus 2 omega square. So एक बार आप ऐसा करेंगे, x minus 1 को equals to minus 2 लिखेंगे, so x minus x equals to 1 minus 2, so that is minus 1. Second time x minus 1 को minus 2 omega के equal लिखेंगे, so x equals to 1 minus 2 omega देगा. And again x minus 1 equals to minus 2 omega square लिखेंगे, तो x की value 1 minus 2 omega square मिलेगी. इस तरह से ये तीनों cube roots of unity इसके बने, equation solve हुई, और roots आ रहे हैं हमारे पास में, minus 1 आ रहा है, minus 1 आ रहा है, ठीक है, 1 minus 2 omega आ रहा है, 1 minus 2 omega and 1 minus 2 omega square. Therefore B option is correct here. ये आपका question number 3 solve हो गया, question number 4 solve हो गया. इसके बाद आते हैं हम question number 5 पे. देखिए question number 5 में ये दे रहा है, if question number 5, right? If z square plus z plus 1 equals to 0, where z is in a complex number, और हमें पता है कि इस form की कोई भी equation लिख दे, चाहे x में लिख दे, चाहे z में लिख दे, t में लिख दे, किसी भी variable में लिख देता है वो. Sorry. So what happens? The roots are same, omega and omega square. Complex roots of unities में आ जाते हैं इस particular equation के. चाहे वो इस तरह से लिखे x square plus x plus 1 equal to 0 लिखे, या इसको t square plus t plus 1 equal to 0 लिखे, और z square plus z plus 1 equal to 0 लिखे, equation के roots तो वही आने हैं. So roots इसमें इस equation के बोलता है कि where z is in a complex number, then value of this. तो आप क्या करेंगे, z plus 1 by z का square, z square plus 1 by z square whole square, z cube plus 1 by z cube whole square ही है यहाँ पे, right? और ये चला गया up to z to the power 6 plus 1 upon z to the power 6 whole square तक, यहाँ तक 6 terms है, और अंदर इस तरह से दे रखा है. हमें पता है कि इसमें जो roots हैं omega और omega square होते हैं, तो हम omega वाले को use कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. So z plus 1 by z whole square, z square plus 1 by z square whole square plus z cube plus 1 by z cube whole square plus इसी तरह से आएगा z 4 plus 1 by z 4 whole square, z 5 plus 1 upon z 5 whole square plus z 6 plus 1 by z 6 whole square. And when you put the root, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कोई भी रूट है, दोनों रूट सेटिस्फाई करेंगे इसको, z इसका रूट बना रहा है बोलता है, राइट? तो इट मींस ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा रख देते हैं, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ओमेगा 4 प्लस 1 बाय ओमेगा 4 होल स्क्वायर plus omega 5, 1 upon omega 5 whole square, and last is omega 6 plus 1 by omega 6 whole square. अब देखिए क्या होगा, ये जो हम value लिखते थे 1 by omega, वो हमने property में पढ़ा हुआ है कि omega cube 1 होता है, तो इसमें omega square equals to 1 by omega होता है, तो इसको आप omega 1 by omega को omega square लिख सकते हो, right? And if it is omega square, 1 by omega square omega हो जाएगा, और omega cube भी 1 है, ये भी 1 है, so 1 plus 1 2 square यहां आ जाएगा. Omega 4 में ऐसा करेंगे, वापस यही वाली position आ जाएगी, omega cube is 1, right? तो omega cube को हमने 1 लिख दिया, तो ये देगा basically omega, और यहां पे भी omega cube 1 हो गया, so again it is 1 by omega whole square. Omega 5 plus 1 by omega 5, omega cube 1 हो चुका उसमें से, तो omega square
प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर बचेगा, राइट। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, वन बाय ओमेगा स्क्वायर बचने वाला है एंड प्लस ओमेगा टू पावर सिक्स। जब ओमेगा क्यूब वन है तो उसके थ्री के मल्टीपल में कितने भी वैल्यू दे दे, ओमेगा नाइन इज ऑल्सो वन, ओमेगा सिक्स वन, ओमेगा क्यूब इज वन। सो सिमिलरली ओमेगा टू पावर सिक्स इज वन, वन प्लस वन टू होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड वी नो दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर था, ठीक है। सो अगेन दिस इज वन और ये वैल्यू फोर हो गई है, प्लस दिस इज सेम सिचुएशन लाइक दिस इसकी वाली, तो इसमें यहाँ पे वन क्रिएट हुआ तो इसमें भी वन ही होगा, ठीक है। ये वाली सिचुएशन ये वाली है, इसमें भी वन बनेगा, राइट, और इसमें फोर बनेगा, तो दिस इज फोर, फोर एंड फोर एट, फोर एंड फोर एट, एट एंड फोर ट्वेल्व, सो आंसर इज ट्वेल्व, राइट। इसमें आंसर ट्वेल्व है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ आईआईटी स्क्रीनिंग 2005। अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं एकेडमिक लेवल के हैं जो मैं करवा रहा हूँ। ये तीन क्वेश्चंस एकेडमिक लेवल थे और फोर्थ तो आईआईटी में आए हुए हैं तो आईआईटी लेवल के ही है, बट डेफिनेटली जब कोई क्वेश्चन आईआईटीज में आया हुआ होता है तो उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, वही डिफरेंस हम सीख रहे हैं यहाँ पे, वो देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए बी सी आर इंटीजर्स। अब यहाँ जैसे ही वो सवाल बोलता है और 2005 का स्क्रीनिंग का क्वेश्चन बनाया हुआ है इसने, आया हुआ है, सो उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया आपने, एक आध पॉइंट छोड़ दिया तो गया काम से, ठीक है। देखिए बोलता है ए बी सी आर इंटीजर्स, ए बी सी इंटीजर्स है, नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, तीनों को ए बी सी को एक साथ इक्वल नहीं रख सकते, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट को हम क्लियर करें कि एट ए टाइम दो को रख सकते हैं साथ, बट यू कैन नॉट टेक साइमल्टेनियसली ऑल थ्री आर इक्वल, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ए बी सी तीन इंटीजर्स बोल रहा है तो सबको टू 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 वैल्यू दे दे, ऐसा नहीं कर सकते आप, सभी को वन वैल्यू दे दे नहीं कर सकते। सो व्हाट इज देयर, नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, ऑल आर नॉट साइमल्टेनियसली दे आर इक्वल, राइट। एंड ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा की तो बात करी हुई है इसने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। देन मिनिमम वैल्यू, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड, अब हम इस वैल्यू को उठा लेते हैं, दिस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इस पर्टिकुलर पोर्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए। ए बी सी के बारे में आपको बता चुका कि ए बी सी तीनों साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं ले सकता, तो मतलब एट ए टाइम दो को इक्वल ले सकता है, कोई भी दो वैल्यूज को इक्वल ले सकता है, ये तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। और तब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए एंड दिस वैल्यू इज गिवन इन टू द मॉडुलस। आप देखिए एक काम करते हैं कि ए इक्वल्स टू बी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसने बोला कि सब साथ नहीं ले सकते बट दो वैल्यूज तो साथ में ले सकते हैं, तो हमने दो वैल्यूज को इक्वल कर ले लिया, सो ए प्लस ए ओमेगा कर दिया प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कर दिया, राइट, एंड यू कैन टेक द कॉमन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस बिकम्स द ए, वन प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो है तो वन प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड दिस इज सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे सी भी है, सी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर, नाउ सी इट गिव्स द ए माइनस सी इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें डिसीजंस लेने हैं बिकॉज ये वैल्यूज मॉड में दे रखी है, और चीज देखिए कि ऐसा भी कर सकते हैं हम मॉड को सेपरेट कर लेते, चलिए ओमेगा स्क्वायर का मॉड ओमेगा हो, कल मैंने बताया आपको कि यूनिट सर्कल पे लाए करते हैं तीनों रूट्स, मतलब दिस इज ओमेगा
ओमेगा इधर आता है 120 डिग्री एंगल पे, दैट इज द 2π/3, और दूसरा आता है ओमेगा स्क्वायर। तो इनका जो मॉडुलस है वो 1 ही है, तो ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी 1 आएगा। ओमेगा का मॉडुलस 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर मॉडुलस भी ऑल्सो 1। तो ये तो 1 हो चुका, ये वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। सो दिस मॉडुलस इज 1। अब देखिए हमारे पास में खाली इतना बच गया, और इस पोर्शन का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि इन दो इंटीजर्स को हमने इक्वल ले लिया है, और इन दो इंटीजर्स के बीच में इंटीजर्स हैं, दे आर इंटीजर्स ऑल्सो, राइट। वट कैन बी द मिनिमम डिफरेंस? मिनिमम डिफरेंस कैन बी 1, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। ए इक्वल टू बी है बट ए इज नॉट इक्वल टू सी है, ए सी के इक्वल नहीं है, तो हम जो मिनिमम डिफरेंस ले सकते हैं वो 1 ले सकते हैं, और उसका मॉड जो है 1 ही आएगा। एंड दिस इज द आंसर, बी पार्ट इज राइट। राइट, तो देखिए यहाँ कितना बारीकी से एक छोटा सा पॉइंट सोचा है कि ये ए माइनस सी जब डिफरेंस निकल गया दो इंटीजर्स के बीच में, तो यहाँ पे ये बात आई कि ए और सी इक्वल नहीं है, दैट वी नो। तो व्हाट कैन बी द मिनिमम डिफरेंस? मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट इंटीजर्स कैन बी 1 ओनली, उनके बीच में खाली 1 ही हो सकता है, ठीक है ना। इक्वल तो है नहीं और उस पर मॉड लग रहा है, सो यू हैव टू राइट द 1, देयरफॉर दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये जब आईआईटी में जब क्वेश्चन इसने दिया तो कई बातों को कंसिडर किया, देखिए नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल वाली बात को यूज किया, तो हमने 2 को इक्वल लिखा, तीसरा इक्वल नहीं लिखा। इस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करने में हेल्प मिली, यहाँ तक हम सॉल्व करके यह इस पोजीशन तक आ गए, और फिर हमें जो फाइनल डिसीजन लेना था वो इस बात का लेना था कि यहाँ पे ये देखना था कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तो वो 1 हो सकता है, और 1 हो सकता है उसका मॉडुलस किया हुआ है, सो दैट कैन बी द 1, 1 कैन बी द मिनिमम वैल्यू। ये इस जगह पे कोई स्टूडेंट अगर अटक अटक जाता है तो ये फिर आईआईटी स्क्रीनिंग 2005 का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे वो उसको छोड़ देगा और यहीं छोड़ के और कंफ्यूज होके इस वैल्यू को, इस सवाल को उसमें छोड़ देगा, पेंडिंग छोड़ के, और हो सकता है ही कैन विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन ही कैन कम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। तो यहाँ पे छोटी सी बात सोचनी थी, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, राइट। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, एंड देन लास्ट वन इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो उसको लिखते हैं, दैट इज आयलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गोइंग टू कवर इन टू द नेक्स्ट पार्ट।